क्षेत्रीय प्रबंधक उपनगरीय हैदरगढ़ हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। समस्या 3 घंटे खड़े हुए बस में बैठे हुए हैं, कोई देर करो बस देखो चल कैसे भरी पड़ी है, कोई नहीं ड्राइवर न कोई कंडक्टर, सब मना कर रहे हैं हम नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। बस खाली हो रहे हैं, कब जाए हम, मतलब कहाँ जाए बताइए, लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ ऐसे आदमी यहाँ पे खड़े रहे। अरे तो पानी बारिश के लिए तो बोल रहे हैं, बारिश में क्या हम भीगते रहे यहाँ पे बताइए, क्या कहना चाहते हैं। कोई सुविधा ही नहीं है बताओ, दौड़ दौड़ के इतने बुढ़ापे में है, दौड़ दौड़ के बसवा बैठी नहीं मिल पाती बताइए, और क्या कहेंगे। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उपनगरी हैदरगढ़ हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। सर क्या यात्रियों की समस्या, न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। राजधानी लखनऊ में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर रोडवेज बस स्टेशन पर महिलाओं की भीड़ देखकर परिवहन निगम अधिकारियों के होश उड़ गए। रक्षाबंधन के पर्व पर कार्यशाला में खड़ी रही रोडवेज बसें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वादों पर पूरी तरीके से पानी भर गया। केसरबाग कार्यशाला में खड़ी रही निगम की बसें सीनियर फोरमैन बृजभूषण की बड़ी लापरवाही, कार्यशाला में लगभग 80 बसें खड़ी रही थी। यात्रियों को लाभ देने पर रोडवेज विभाग की महज खानापूर्ति हुई है। केसरबाग बस स्टेशन पर खराब पड़े एसी पंखे भी अपनी शान दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। गर्मी से परेशान होकर यात्रियों ने परिवहन निगम को कोस दिया। केसरबाग रोडवेज बस स्टेशन की व्यवस्था को लेकर मची रही भगदड़, और इसी भगदड़ के दौरान बुजुर्ग महिला के साथ हुआ हादसा। बस में बैठते समय यह हादसा हो गया। दरअसल 12 बंकी भाई को राखी बांधने जा रही थी महिला। अब पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल भेज दिया। देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे के लिए परिवहन निगम की रोडवेज बसों से महिलाओं को फ्री यात्रा करने का लाभ दिया था राखी के मौके पर, जिसको लेकर केसरबाग बस स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने दस्तक दी और परिवहन निगम की रोडवेज बसों से यात्रा का लाभ उठाया। वहीं दूसरी तरफ भीड़ ज्यादा होने की वजह से बस में चढ़ने के दौरान एक बुजुर्ग महिला बस की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर मौजूदा पुलिस बल ने घायल महिला को अस्पताल भेजा। अनुबंध रोडवेज बस के चालक से पूछताछ पुलिस कर रही है। बस स्टेशन पर भारी संख्या में भीड़ को ध्यान में रखते हुए मौके पर परिवहन निगम के आला अधिकारी नदारद रहे, जिससे यात्रियों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। केसरबाग बस स्टेशन पर गर्मी से जूझ रहे यात्रियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं जब दूसरी तरफ न्यूज वन इंडिया के रिपोर्टर तबरेज आलम ने केसरबाग कार्यशाला का जायजा लिया, तो कार्यशाला में लगभग 80 गाड़ियां खराब हुई। कार्यशाला में खड़ी रोडवेज बसों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि परिवहन निगम ने निगम की बसों में यात्रा कराने के बजाय अनुबंधित बसों में यात्रियों में यात्रा करवाई है और निगम की बसें कार्यशाला में ही खड़ी रही। कार्यशाला में खड़ी बसों का सीधा उद्देश्य था मेंटेनेंस पूरा न होना। कार्यशाला में कई बसें महीनों से खड़ी हैं, तो कई बसों का मेंटेनेंस का कार्य भी अधूरा है और मार्ग से चलकर आई रोडवेज बसों की साफ सफाई धुलाई की व्यवस्था भी चौपट गई। इस आधार पर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि केसरबाग सहायक क्षेत्र प्रबंधक से लेकर सीनियर फोरमैन की बड़ी लापरवाही, जबकि सभी आला अधिकारियों को पता था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 24 घंटे के लिए प्रत्येक क्षेत्र की रोडवेज बसों को 100% मार्ग पर संचालित करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश का मात्र एक उद्देश्य था, जो महिलाएं हैं, महिलाएं अपने भाइयों को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राखी बांध सके और भाई की लंबी उम्र की कामना कर सके। वीडियो में साफ तौर पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग अपनी जान की बाजी लगाकर बस में सफर करने को तैयार हैं। बहुत सारे सवाल हैं कार्यशाला को लेकर, हुक्मरानों को लेकर, व्यवस्था को लेकर। इस पूरी रिपोर्ट में उन सवालों के जवाब बकायदा तस्वीरों के साथ आपको नजर आएंगे। देखिए मेरे सहयोगी के साथ ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के केसरबाग बस स्टेशन पर, जहां पर कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये फरमान जारी हुआ था कि 24 घंटे के लिए जो यात्राएं हैं वो निःशुल्क यात्राएं महिलाओं को दी जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ हम आपको सारी वो चीज़ें दिखाएंगे कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जिस तरीके से महिलाएँ हैं जो लगातार एक दूसरे से मिलने की पूरी कोशिश, बहन भाइयों से मिलने की जो पूरी कोशिश है, किस परिस्थिति में बहनें अपने भाइयों से मिलने की कोशिश कर रही हैं।
कहाँ जाना चाहते हैं भैया जी? गोंडा जा रहे हैं। गोंडा जा रहे हैं, कितनी देर से बस में वेट जी? पिछले एक घंटे से बस में वेट कर रहे हैं, दो बसें भरी खड़ी हुई हैं और सब पसीने से, जेंट्स और लेडीज दोनों पसीने से भीग रहे हैं पिछले एक घंटे से। अब मैं दो बार बोल के भी आया हूँ काउंटर पे, बट अभी तक बस नहीं निकलवाई हुई। वही दूसरी तरफ भाई साहब हमारे साथ मौजूद है। भैया कहाँ से आए हैं? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से क्या कहाँ फिर अभी कहाँ जा? अभी प्रतापगढ़ जाना है, लेकिन पिछले एक घंटे से बस नहीं है। क्या बताया गया इंक्वायरी? इंक्वायरी में यही बताया गया कि जब बसें आएंगी तब जाएंगी। कोई परिवहन निगम के लिए यहाँ पे तो कई डिपो हैं इनका, चारबाग हो गया, हैदरगढ़ हो गया, आलमबाग हो गया, अवध हो गया, कैसरबाग हो गया, इनके पास तो पर्याप्त मात्रा में बसें थी। लोग यही है कि लोगों ने अपनी बसें चलाया नहीं सही रूप से। अधिकारी को तो पता। रितिका, आपका क्या नाम? रितिका सोनकर। रितिका जी, क्या एक पैसे देना चाहती है फैसिलिटी को लेकर रोडवेज की? बहुत बेकार है, बहुत परेशान कर लिया, पिछले एक घंटे से परेशान हो रहे हैं हम लोग। बताइए, आज एक भी बस नहीं है कानपुर के लिए, गायब हो गए लग रहा है, जैसे फ्री नहीं हो गया कि लोग समझ लिया कि कोई है ही नहीं। क्या करने के लिए हमको अपने ससुराल भी जाना था जो टीका एका करने के, भाई इतनी देर भी हो गई, ना कोई बस मिली हमको ना ही कुछ, और हमको तुरंत अपने घर जाना पड़ रहा है, हम नहीं जा पा रहे हैं। जो असिस्टेंट डिजिटल मैनेजर हैं जी, जगदीश प्रसाद के लिए क्या कहना चाहती है? ऐसे बैठे हैं आप लोग, भीग रहे हैं। अब हम क्या करें, क्या कहें हम इनके बारे में? अरे सब तारीफ ही है, यही तारीफ है, दिख तो रही है सब तारीफ, और क्या चीज़ दिखाए। जी कहाँ जा रहे हैं? छोड़ दीजिए, जा रहे हैं देवा। देवा जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? ज्यारत करने जा रहे हैं बाबा। तो बहुत खूबी अच्छी बात है। आपके साथ और कोई है? हाँ हमारे साथ है, बेटियां हैं, बहनें हैं। अच्छा, आज क्या पता है आपको योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं? बखूबी देख भी रहे हैं कि जिस तरीके से कहा कि महिलाएं हैं जो थोड़ा सा काफ़ी परेशान हैं, बस की सुविधाएं हैं जो वो काफ़ी लेट हैं, जो बसें आ रही हैं आ तो रही हैं लेकिन काफ़ी लेट आ रही हैं, लगातार यात्रियों की झड़ पकड़ और यात्रियों को लेकर जो बातें हैं जो सामने आ रही थी कि कुछ यात्री बैठ गए, कुछ छूट गए, कुछ लोग रह गए, कुछ छूट गए, अब आगे जाके फिर से बस का दरवाज़ा खुलेगा और यात्री बैठकर अपने भाई बहन की जो राखी बांधने की जो कवायद है, जो त्यौहार है, उसके लिए प्रस्थान करेंगे। तो लगातार, हालांकि अगर हम बात करें जिस तरीके से यहाँ पर महिला के साथ जो हादसा हुआ था, बैठने को लेकर गाड़ी आगे बढ़ा दी गई थी, लगातार जो है कुछ महिलाएँ भी हैं जिनको कुछ यहाँ के फ़ायदे के बारे में पता भी है कि आज शायद ज़ीरो टिकटिंग जो होगी उस पर ज़ीरो होगा और कोई भी पैसा नहीं पड़ेगा, जो टिकट बनेगी वो ज़ीरो होगी। फ्री सेवा जो महिलाओं को थी, और बस अड्डे पर हकीकत पूछिए तो सबसे ज़्यादा महिलाओं की ही भीड़ है। जिस तरीके से भैया ने कहा कि लगातार एक घंटे से, लगभग एक घंटे से बैठे हैं, और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो महिलाएं हैं, जो बहन बेटियां हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, काफ़ी परेशान हैं, और स्टैंडिंग पूरी गाड़ी है, बाराबंकी के लिए जाएगी, काफ़ी समय से वो गाड़ी खड़ी है और यात्री काफ़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शायद कोई चालक आए इस गाड़ी को आगे लेकर जाए। बड़ी दुर्दशीय लग रही है स्थिति, बिल्कुल हमें तो लग रहा है सरकार भले फ्री की बस चलाती है लेकिन उसमें भी दिमाग लगाती है। हैं, हमें लगता है 300 बसों की जगह 3 बस चलाती है, बाकी जितनी भी बस बसती हैं। प्रस्ताव की बात करेंगे जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो ये आरएम लोग अपने एसी वाले कमरों में बैठे उनके लिए क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भैया, देखें भाई उन लोगों को सरकार देखे, हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं उन लोग के लिए। अब भैया जिस तरीके से ये बिहेवियर कर रहे थे, इनके बारे में क्या करेंगे भैया? ये लोग मनमानी कर रहे हैं। आज ये देखो ड्राइवर साहब बोले जाए कि नहीं, बस बैठ रहे सवारी, बोले कौन बोला, कोई ना ऑर्डर दिया है। अच्छा, इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? इनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए इनके ऊपर। एक आरएम रीजनल मैनेजर एमडी से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? एमडी गुहार लगाना चाहते हैं भैया, शासन प्रशासन देखो सब कर रखे, पूरे यात्री यहाँ देखो परेशान है। देखो ये तो बस हम भीग जाएंगे, हम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। बोले कि हम करेंगे नहीं, बैठे तो पड़े हाथ पे, पूछताछ में जाओ, वो भी वहाँ खेद रहे हैं, ये भी खेद रहे हैं, क्या मतलब है? सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उपनगरी हैदरगढ़ हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। सर क्या यात्रियों की समस्याएं हैं? सर यात्रियों की क्या समस्या है? यात्रियों की समस्या है, यात्री व्यवस्था हो रही है, भेजा जा रहा है। तीन घंटे खड़े हूँ बस में बैठे हुए हैं,
कोई दे लो, चलो बस देखो चलो कैसे भरी भरी है, कोई ना ड्राइवर ना कोई कंडक्टर, सब मना कर रहे हैं हम नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, बस खाली हो रहे हैं, कब जाए हम, मतलब कहाँ जाए बताइए, लड़कियाँ है, लड़कियाँ ऐसे ही आदमी यहाँ पे खड़े रहे, अरे तो पानी बारिश के लिए तो बोल रहे हैं, बारिश में क्या हम भीगते रहे यहाँ पे बताइए, चार चार लगे हैं, तीन बजे से खड़े हैं यहाँ पे, कब आएंगे बताइए, वहाँ पे इनके वहाँ पे जाके हम पूछ रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, यहाँ पे भेज रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे बोले वहाँ पे जाइए, क्या क्या बोले, इन लोगों को पता नहीं है कि बारिश में सऊदी से आके बस नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे भैया आप बताओ क्या कहेंगे, बस हम लोग इंतजार कर रहे थे बस का, तो इसमें बोला गया कि इसमें बैठो ठीक है, फिर बाद में जो है पंचर बस में हम लोग को बैठा ला गया, कब बैठा ला गया, आधे घंटे पहले, फिर हम लोग कह रहे हैं तो कह रहे यही बस जाएगी, पंचर बस में जाएंगे, हाँ पंचर बस, देखिए आप पहिया देख लीजिए ना, उधर कह रहे की ये जाएगी तो कह रहे ये नहीं यही जाएगी, कोई जानकारी नहीं दे पा रहे, एक घंटे से हम लोग खड़े, कोई जानकारी नहीं दे पा रहे, ड्राइवर साहब कह रहे 9 बजे जाएगी, एक कह रहे बाबा आराम, ऐसे आराम को आप लोग भीग रहे हो भाग रहे हो, आपके पास बसेस नहीं है यहाँ पर, ऐसे आराम के लिए क्या कहने का, फोन कर रहे वो उठा नहीं रहे, सामने है तो आप गए थे क्या, जिस तरीके से चारबाग बस स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में जो यात्री हैं वो कहीं ना कहीं से मौजूद हैं, और यहाँ पर बसों की संख्या है जो मात्र 3-4 बसें हैं, यहाँ पर जो इंक्वायरी के जिम्मेदार खातून बैठी हैं, क्या नाम है आपका, लायका खातून, लायका जी क्या व्यवस्थाएं हैं, जब पता था निगम में कि सुबह शाम भीड़ बढ़ने वाली है और इस समय कोई आला अधिकारी, सुबह से 100 गाड़ियां भेजी जा चुकी हैं, 4 बजे, हाँ 4 बजे के, 4 बजे से 20-22 गाड़ियां भेजी जा चुकी हैं, अगर पता था कि शाम को भीड़ बढ़ने वाली है, इस समय अधिकारी गाड़ियां आ रही हैं, अधिकारी भी हैं हमारे, अधिकारी भी कहाँ हैं, आला अधिकारी हमको तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, अधिकारी कहाँ हैं, अधिकारी उत्तर प्रदेश परिवहन लखनऊ से अगर बात करें, ग्राउंड जीरो से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम जो है उन्होंने रक्षाबंधन पे तमाम जो सुविधाएं हैं वो महिलाओं तक बहनों तक नहीं पहुंची, इसको लेकर के हमारी ग्राउंड रिपोर्ट भी वहां हुई, जिसको लेकर कई बहनें जो हैं वो अपने भाई तक नहीं पहुंच पाई और बसें ना मिलने के कारण काफ़ी ज़्यादा असुविधा महसूस हुई, और दूसरी तरफ आपको बता दें कि पैनिक बटन बहनों और जो महिलाएँ हैं उनके लिए पैनिक बटन का इस्तेमाल करने के लिए हर 680 बसों में लगाए गए थे, 78 करोड़ की लागत से इस पैनिक बटन का निर्माण हुआ था, जिसके बाद अब ये शोपीस बनकर रह गए हैं, इसको लेकर आपको बता दें कि फिलहाल जो पैनिक बटन है वो इसलिए लगाए गए थे कि महिलाओं को सुरक्षित सफ़र तय करने के लिए इस पैनिक बटन का इस्तेमाल करने के लिए बताया गया था, जिसके बाद महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकें, आपको बता दें रोज़ाना उत्तर प्रदेश में महिलाएं जो हैं वो सफ़र कर पाती हैं, जिसको लेकर लखनऊ की जो ग्राउंड रिपोर्ट आई रक्षाबंधन को लेकर जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसमें अधिकारी लापरवाही साबित नजर आए, नहीं मिलेगी हम लोगों को, रात हो रही है जाने के लिए, कितनी दिक्कतें हो रही हम लोगों को, आपने किसी अधिकारी से बात की, नहीं अभी नहीं की हम लोगों ने कोई अधिकारी से बात, तो बात कर लीजिए शायद कोई बस मंगवा दें, नहीं देरों से कह रहे हैं, इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है, एक बार तो हम लोगों से कहा गया कि हम कानपुर जाएगी बस, लेकिन बाद में बोले गोरखपुर जाए, बताइए हम महिलाएं कैसे जाएं, ये फ्री सुविधा क्या मतलब हुआ, क्या संदेश देना चाहती है जी फ्री सुविधा के लिए, हम संदेश दे रहे हैं आप लोग तो सेवा वहाँ से भेज रहे हैं पर हम लोगों पास पहुँच नहीं रही है, जी मतलब अधिकारी कहीं ना कहीं झूल लापरवाही कुछ भी कर रहे हैं, लापरवाही कहिए या कुछ भी कहिए, वो लोग तो वहाँ से भेज रहे सुविधा पर हम जनता को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है, आंटी क्या कहना चाहती है, कहने क्या चाहते हैं, कोई सुविधाएं नहीं है बताओ, दौड़ दौड़ के इतने बुढ़ापे पर ही दौड़ दौड़ के बस में बैठी नहीं मिल पाती बसें है, और क्या कहेंगे, कहाँ जा रही हूँ, कानपुर, कानपुर जाना, कानपुर के जितने यात्री है सब परेशान, और क्या क्या कह रही है, ये गलत है तरीका, ये तरीका होना चाहिए, कोई मतलब फ्री कराया था तो फ्री का कुछ तो भी होना चाहिए, फ्री करा दिया है क्या फायदा है फ्री होने का, क्या कहना चाहती है आप, ऐसे अधिकारी क्या करें, जब बस में हम लोग बैठ के भी उतर गए क्या फायदा है, हाँ हम लोग को एक बार जी कहा कि कानपुर जाएगी फिर कह रहे कानपुर नहीं जाएगी, मतलब ऐसे कह रहे क्या फायदा, एक बार छोड़ो एक बार उतरो, क्या फायदा इसे बस ऐसे से तो किराए से चले जाए इंसान, क्या कहना चाहती है, नौकरी पे रखा जाए, पता नहीं क्या, पता नहीं ड्राइवर पता नहीं कैसे हैं जो आते हैं चले जाते बताते भी नहीं है, उनको तनख्वाह से मतलब योगी जी ने मोदी जी ने फ्री बोली है, तो आपको क्या तकलीफ है, पैसा तुम्हें सरकार दे रही, तुम्हें पैसा तुम्हें दे रही, खर्चा तुम्हारा दे रही है उसमें, और लेडीजों को बिठा ले तुम्हें क्या तकलीफ है, दिव्यांग आदमी हूँ सर, हमारा बच्चा छोटा साथ में, इधर आ बेटा, छोटा दिव्यांग है सर, हम
करीब 3 घंटे से घूम रहे हैं, कोई साधन नहीं मिल रहा है, बताइए हम कहाँ जाएं। अब जिस हमको जगदीशपुर जाना है, जिस कंडक्टर के पास जाते हैं बोले आगे वाली है जाएगी उस पर जाना, हमारे यहाँ खाली नहीं है। 2-3 ड्राइवर यही कह चुके हैं भैया हमारे यहाँ खाली है, आगे वाली बस पे जाओ, चलो आगे बढ़ो। ये अगर गवर्नमेंट, हम रिक्वेस्ट चाहते हैं अगर गवर्नमेंट ये नियम लागू न करे, नियम छोड़ दे तो अच्छा है। अरे भैया कह रहे हैं कानपुर जा रही है, हम लोग कानपुर के लिए बैठे हैं, अब ये जा कहाँ जा रही है पता नहीं। बैठ गए आप लोग जी, ये तो उनकी गलती है बताने वाले की। आप सारे लोग कानपुर जाएंगे? जी हम सारे लोग कानपुर जाएंगे। बैग हो गया है, अभी बैग से निकल गया है। क्या हुआ? बस में अभी भीड़ भाड़ में फतेहपुर वाली बस गई है, उसमें हमारा मोबाइल निकल गया है। आप वाली में नंबर का नंबर क्या है? नंबर हमें याद नहीं, हमने अपने पति को मिलाया था फोन। बस लगी है, आप जाकर एक बार कंफर्म कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है, स्विच ऑफ हो गया है तो किसी को मिल गया होगा बहन। एसी में से निकला बिल्कुल, हम लिए हुए थे पता नहीं कैसे क्या मोबाइल। भैया हम रक्षाबंधन के लिए आए थे, राखी बांधने अपने भाई के लिए, लुधियाना से चली थी। सुबह 6 बजे मैं घर से निकली हूँ, 8 बजे की ट्रेन थी, यहाँ 8 बजे मुझको पहुँचा दी, 8:11 पे पहुँचाई। उसके बाद मैं बस अड्डे आई, बस का इंतजार कर रही थी और बस अभी जाना कह कह के 12 बज गया, बस नहीं जा रहे हैं। मैं राखी बांधने कितनी समय जाऊँगी? राखी कहाँ बांध पाई मैं? भाई को मैंने फ़ोन किया, आप दूसरी बोलेरो लो कुछ भी गाड़ी बुक करके आ रहे हैं लेने, अब इसीलिए मैं आई हूँ कि रक्षाबंधन में राखी बांधूंगी, राखी में मुझे बांधने को नहीं मिली, राखी भी नहीं बांध पाई, राखी नहीं बांध पाई। क्या कहना चाहती है ऐसे प्रशासन के लिए, जिस तरीके से ऐसे कहते हैं कि 24 घंटे बसें चलेंगी, तो कहाँ चली गई सारी बसें? जब आज के दिन ऐसे होता कि फ्री है, फ्री नहीं तो पैसे से ले जाएं, लेकिन ले तो जाएं, जिस लिए मैं आई हूँ वो तो होना चाहिए। कहाँ चला गया सारा बस समय से ना आने पर आप जो है अपने भाई के राखी के लिए बांध नहीं बांध पाए? अगर बस समय से मिल जाती तो मैं इतनी समय घर पहुँच जाती। बताइए नहीं भैया ऐसे खुश नहीं, हम लोग पब्लिक परेशान है, क्या सुविधा दिया हम लोग कुछ नहीं मिला है। उम्मीद पर किस आस पर आई थी आप? आस में हम सोचे कि फ्री में है, हम आ गए, हमको हम नहीं सोचे कि योगी धोखा दे रहे हैं हम लोग के, झूठ कह के हम लोग साधन नहीं दे रहे हैं, हमको ये सब नहीं पता है। हम लोग 1 घंटे से खड़े हैं, बहुत परेशान हो रहे, छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान हो रहे गर्मी के मारे, लेकिन बस नहीं चल रही, ना ड्राइवर आ रहा है ना कंडक्टर आ रहा है। कितनी देर से बैठी है? हम लोग 1 घंटे से खड़े हैं, 1 घंटा हो गया हम लोग को बैठे बैठे। अरे सर बस आधे ही घंटे, 1 घंटा हो गया हमको खड़े यहाँ पे, कोई बंदा कोई रिस्पांस नहीं दे रहा, ना डायरेक्टर, ना उसका कंडक्टर, ना ड्राइवर। इसके खिलाफ जब तक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक काम नहीं बनेगा। आप क्या चाहते हैं एक्शन कैसा होना चाहिए? इसको तुरंत बर्खास्त किया जाए और इसको सुधारा जाए, सिर्फ बात टालने के लिए ना की जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। प्रबंधक जो है उनको क्या करना चाहिए? उनको तुरंत इस पे स्ट्रिक एक्शन लेना चाहिए। नहीं वो तो बैठे इस, कोई एक्शन नहीं ले रहा ना। कुछ नहीं, सिर्फ टाल मटोल चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल बात करेंगे बड़े भाई, बताइए। तीसरी बस बैठे उल्लू बना के बार बार बैठा के बार बार उतरना पड़ता है, अब ये जाएगी कानपुर की नहीं जाएगी? भैया 48 मिनट से बस में सारे यात्रियों को दुगनी क्षमता में बैठा दिया गया है, 48 मिनट से ज़्यादा हो गया है और ARM साहब को अपना ड्राइवर और कंडक्टर नहीं मिल रहा है। 4 घंटे से बैठे कोई कोई नहीं आ रहा है, BP तो लो है, तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है। 4 घंटे हो गए ड्राइवर का पता नहीं है, बताइए हम लोग मर जाए क्या? ऐसे पब्लिक भारी पड़ी है है नहीं तो ड्राइवर को कानपुर जाना, हम लोगों को पागल समझ रखा है क्या पब्लिक को? अरे बहुत बेकार की सुविधा साहब, 1 घंटा हो गया सारी पब्लिक। आपको अच्छी लगी? नहीं, किराया ले ले मगर आराम से लेके जाए, मुझे सुविधा नहीं चाहिए। नहीं नहीं समझ में आया, कितने आदमी कल पेपर में निकलेगा ना, कितने बच्चे कितने औरतें मर गई, बच्चे गर्मी से, 5 बजे गाड़ी रुकी हुई है, 5 बजे से ड्राइवर गायब है, ये कौन सा सुविधा होता है? इसे अच्छा बंद कर दें ये सुविधा। और खड़े हैं हम लोग खड़े हैं, बीमार है कोई कुछ है, परेशान इतना है। आप पहले उन्हें लेके आइए फिर उसके बारे में बताएंगे क्या बस सुविधा अच्छी है क्या नहीं है। देख रही है सुविधा क्या? 2 घंटा हो गया है, क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो जैसा आपने देखा कि जिस तरीके से CM योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये आदेश हुआ था कि 24 घंटे समस्त महिलाएं जो हैं वो
फ्री में यात्रा करेंगे। लगातार आज रोडवेज बस स्टेशन चारबाग में जिस तरीके से सभी यात्रियों को, वो चाहे बूढ़े हों चाहे बुजुर्ग महिलाओं को, जो समस्याएं हुई वो कहीं छिपी नहीं है। कहीं न कहीं ये रोडवेज विभाग के लिए बड़ी लापरवाही है कि उचित प्रबंध क्यों नहीं किए गए। जब इतनी भीड़ थी तो इतनी भीड़ में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उपनगरी हैदरगढ़ के द्वारा जो लापरवाहियाँ बरती गई, वो लापरवाहियाँ आखिर क्या दर्शाती हैं, आखिर ऐसा क्यों, एक बड़ा सा सवाल है यूपीएसआरटीसी के तमाम आला अधिकारियों के लिए। लखनऊ से ब्यूरो चीफ सादाब मूसा और लखनऊ से मेरे सहयोगी तबरेज आलम की ये खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन अगर इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं होती तो आगे भी इस रिपोर्ट पर नजर बनी रहेगी।